पाई, ये पाई क्या है, इसको मैंने लिख दिया ओपी, ओपी ओपी चल रहा है, ये ओपी ओपी क्या है, ओपी ऑस्मोटिक प्रेशर। एक ही पेज पे मैंने आपके कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज के पूरे क्या लिख दिए, फॉर्मूले और उनके जो भी सिंबल है उनका क्या मीनिंग है। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी वो क्या है आपका, एलिवेशन इन द बॉइलिंग पॉइंट। हमें पता है कि जैसे जैसे हम क्या करेंगे, टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो क्या होगा, मेरा वेपर प्रेशर इंक्रीज होगा। ठीक है, ये चीज हम कह सकते हैं अभी हाल फिलहाल के लिए, है ना। टेम्परेचर हम इंक्रीज करेंगे तो मेरा वेपर प्रेशर इंक्रीज होगा। ठीक है, टेम्परेचर इंक्रीजेस, तो उसको मैं पूरा लिख देता हूँ, मेरा क्या होगा, वेपर प्रेशर इंक्रीजेस। अब ये चीज देखनी है आपको कि होता क्या है आपका बॉइलिंग, बॉइलिंग पॉइंट पे क्या होता है और किस टाइम पे आपकी लिक्विड की बॉइलिंग, ऐसी कौन सी कंडीशन आती है जब आपका लिक्विड जो है बॉइल हो जाता है, किस टाइम पे आपकी बॉइलिंग हो जाती है। ठीक है, तो व्हेन, अब समझना, व्हेन वेपर प्रेशर, ढंग से समझना इसको, व्हेन द वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, अरे सॉरी, व्हेन व्हेन द वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड बिकम इक्वल टू एटमोस्फेरिक प्रेशर। ठीक है, एटमोस्फेरिक प्रेशर की वैल्यू कितनी होती है एंड वेपर प्रेशर ऑफ द लिक्विड बिकम इक्वल टू द एटमोस्फेरिक प्रेशर देन बॉइलिंग ऑफ दैट पर्टिकुलर लिक्विड आता है। ठीक है, देन बॉइलिंग ऑफ दैट पर्टिकुलर लिक्विड आता है। क्लियर हुई बात ही? यस सर। जब किसी भी लिक्विड का मेरा क्या होता है, वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाता है, तब क्या आपका उस पर्टिकुलर लिक्विड की आपकी बॉइलिंग होती है। ठीक है, तो यहाँ पे अब मैं एक चीज ये कह सकता हूँ कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वैल्यू मैंने आपको बताई थी क्या होती है, रिमेम्बर दैट। तो 760 mm यहाँ पे हम देखेंगे वेपर प्रेशर क्या हुआ, वेपर प्रेशर मेरा इंक्रीज होता गया, एक टाइम पे वेपर प्रेशर की वैल्यू हो गई 80 एटमॉस्फेरिक, टी लिख देता हूँ मैं, चलो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर। ठीक है, तो जब एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो गई वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड की वैल्यू, एटमॉस्फेरिक प्रेशर तो मेरा फिक्स है, कितना होता है, तीन अलग अलग यूनिट में लिख देता हूँ इसको, या तो 180 m हम कह सकते हैं, या आपका कहीं कहीं पे दिया है 1.013 bar। ठीक है, बार 1.013 bar या 760 mm ऑफ एच, इसकी कई यूनिट होती हैं। ठीक है, तो आपका पास्कल और टोर में भी मिल सकती है, तो वो तो अपन कन्वर्जन जब आएगा तब देखेंगे, और एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है। ठीक है, ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वैल्यू है, अब इसको समझना, ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वैल्यू है, तो ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वैल्यू तो फिक्स रहेगी। जब किसी भी लिक्विड की वेपर प्रेशर की वैल्यू यहां तक हो जाती है तो मेरा लिक्विड जो है वो बॉयल होने लगता है। क्लियर हो गई बात आपको? यस जिस टेम्परेचर पे, अब क्या वेपर प्रेशर इंक्रीज कैसे होगा, आप टेम्परेचर इंक्रीज करोगे तो जिस टेम्परेचर पे आपका वेपर प्रेशर की वैल्यू एटमॉस्फेयर प्रेशर के बराबर हुई तो वो बॉयल होने लगा। तो वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड मतलब यहाँ पे अगर वाटर की बात हूँ तो वेपर प्रेशर ऑफ वाटर आपका एटमॉस्फेयर प्रेशर के बराबर हो जाता है तो वहां पे बॉइलिंग होने लगती है, और वाटर का हमें आपका बॉइलिंग पॉइंट पता है 373.15 केल्विन एग्जैक्ट, यहाँ पे एनसीईआरटी से अगर हम देखेंगे तो 2 डेसिमल वैल्यू पे दी रखी। ठीक है, ये आपका क्या होता है, वेपर प्रेशर इक्वल्स टू द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो इस टेम्परेचर, ये जो टेम्परेचर है, इस टेम्परेचर पे मेरा वाटर का वेपर प्रेशर किसके बराबर हो गया, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो गई, बॉइलिंग हो गई आपकी उस पर्टिकुलर लिक्विड की, सॉल्वेंट की। क्लियर हो गया बात? यस सर। ठीक है, वाटर लिक्विड। अब समझना एक चीज को, मैंने आपसे ये चीज बोली थी कि जब भी
आप क्या, अब मैंने क्या किया इसमें, मैंने एक नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड किया, ठीक है, मैंने इसमें एक नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड किया, ठीक है। अब जब भी हम नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड करेंगे प्योर सॉल्वेंट में, तो क्या होगा, वेपर प्रेशर इंक्रीज होगा कि डिक्रीज होगा? इंक्रीज डिक्रीज होगा बेटा, ठीक है, अभी डिस्कस किया था, वेपर प्रेशर मेरा डिक्रीज हो गया जब मैंने नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड किया किसी प्योर सॉल्वेंट में, तो मेरा वेपर प्रेशर डिक्रीज हो गया, है ना। अब मुझे क्या करना है, जो सॉल्यूशन बना है अगर मेरे को उसको बॉयल करना होगा, टू बॉयल द सॉल्यूशन मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे ये करना पड़ेगा कि इसका वेपर प्रेशर अगेन एटमोसफेयर प्रेशर के बराबर लाना पड़ेगा, है ना। अब यहाँ पे क्या हुआ है, सॉल्वेंट के कंपेरिजन में, है ना, सॉल्वेंट के कंपैरिजन में वेपर प्रेशर तो मेरा सॉल्यूशन का कम हो गया है, तो मुझे टेम्परेचर बढ़ाना पड़ेगा तभी तो वो उसके बराबर आएगा या उससे ऊपर जाएगा, और आपका एक क्या है एटमोसफेयर प्रेशर के बराबर आएगा। और जब एटमोस्फेरिक प्रेशर के बराबर मेरा सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर आएगा तभी बॉइलिंग होगी, तो मुझे टेम्परेचर इंक्रीज करना पड़ेगा और कंपेयर टू द सॉल्वेंट। क्लियर हुई ये बात, यस सर, समझ गए ना बात को? नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मैंने ऐड किया यस तो मेरा वेपर प्रेशर क्या हुआ, डिक्रीज हो गया। अब वेपर प्रेशर किसके कंपैरिजन में डिक्रीज हो गया, अब ये भी लिख देते कंपेयर टू सॉल्वेंट, सॉल्वेंट के कंपैरिजन में डिक्रीज हो गया, ठीक है, सॉल्वेंट के कंपैरिजन में डिक्रीज हो गया। अब आपको सॉल्यूशन को बॉयल करना है तो क्या करना पड़ेगा, सॉल्यूशन को जब आपको बॉयल करना है तो सिंपल चीज है, इसका वेपर प्रेशर इंक्रीज करना पड़ेगा, वेपर प्रेशर इंक्रीज करना पड़ेगा तो वो कैसे आपका टेम्परेचर से इंक्रीज होगा, तो आपको इसका टेम्परेचर इतना बढ़ाना पड़ेगा कि अगेन एटमोस्फेरिक प्रेशर के बराबर आ जाए, ठीक है। इस वजह से आपका बॉइलिंग पॉइंट भी इंक्रीज हो जाएगा कंपेयर टू सॉल्वेंट। क्लियर हुई बात, यस सर, ठीक है। तो आपका क्या होगा सॉल्यूशन का, तो यहाँ पे एक चीज तो ये है कि वेपर प्रेशर सॉल्वेंट ज्यादा है और आपका बॉइलिंग पॉइंट एलिवेट हो जाएगा, तो यहाँ बोलूंगा मैं बॉइलिंग पॉइंट का सॉल्वेंट का क्या हो जाएगा जनरली कम है, और आपका यहाँ बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा सॉल्यूशन का ज्यादा हो जाएगा, तभी तो हम बोलेंगे एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। यस सर, ठीक है, हुआ क्लियर? यस सर, तो अब इस कंडीशन में यहाँ पे क्या हुआ, एक्सपेरिमेंटली तो मैंने क्या बोला, सिंपल चीज है, मैंने बोला टीबी, अब यहाँ पे मैं टेम्परेचर और बॉइलिंग पॉइंट कर देता हूँ, टीबी रिप्रेजेंट फॉर द टेम्परेचर बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्वेंट, ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट, ठीक है, ये हो गया मेरा टीबी, और सॉरी प्योर सॉल्वेंट है तो नॉट लगा दिया, और सॉल्यूशन जब मैंने नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड किया तो ये हो गया मेरा आपका बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्यूशन, ठीक है। अब यहाँ पे एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट हो रहा है, मतलब ये चीज आपको याद रखनी, सॉल्यूशन का ज्यादा है तो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट मतलब कितना चेंज आ गया, मतलब कितना एलिवेट हो गया, इसका ये मतलब हुआ ना कितना मेरा बॉइलिंग पॉइंट एलिवेट हुआ जब मैंने एक नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डाला, तो उसका हम क्या करेंगे, उसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं, फिर डेल्टा टीबी इज इक्वल्स टू आप देखोगे टीबी माइनस टीबी नॉट, इस तरीके से मैं लिख सकता हूँ उसको, ये क्या हुआ मेरा, ये हो गया एलिवेशन इन यस सर, बॉइलिंग पॉइंट, ये क्या है मेरा, ये सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट है, ये सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट है, अब ये इंक्रीज हुआ है, तो सॉल्यूशन के बॉइलिंग पॉइंट में से सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट निकालोगे तो कितना मेरा बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज हुआ है ये आ जाएगा। क्लियर हो रही है बात, ये ठीक यस सर, है। दूसरी चीज क्या है, एलिवेशन ऑफ, ये आपका क्या है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, तो ये कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी तो ये डिपेंड किस पे करेगा, ये आपका डिपेंड करेगा ऑन द नेचर ऑफ द सॉल्यूट पार्टिकल, ठीक है। तो मैं आपका बोलूंगा बॉइलिंग पॉइंट इज अ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट इज अ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, ये किस पे डिपेंड करेगी, ऑन द नेचर ऑफ द नंबर ऑफ द सॉल्यूट पार्टिकल, नॉट ऑन द नेचर, ठीक है, नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल या हम कह सकते हैं कंसंट्रेशन, ठीक। अब एक्सपेरिमेंटली ये देखा गया कि जो मेरा एलिवेशन इन क्या कहते हैं आपका बॉइलिंग पॉइंट था वो क्या है आपका मोलिलिटी पे से डायरेक्ट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ठीक है, एक्सपेरिमेंटली ये चीज देखी गई, डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए आपका लिख देते हैं यहाँ पे, एक्सपेरिमेंटली इट इज ऑब्जर्व दैट द एक्सपेरिमेंटली इट इज
observe for dilute solution elevation in boiling point is directly proportional to the molality. Clear हो गया? ठीक है? Yes. Proportional to molality, not a molarity. Small. ठीक है? तो मैं डेल्टा टीवी को क्या कर सकता हूँ? स्मॉल एम कर सकता हूँ. अब मैंने बोला डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन जब भी हटेगा तो क्या आएगा? कांस्टेंट आएगा. ये कांस्टेंट आएगा, ये आएगा यहाँ पे केवी. इसको हम बोलते हैं मोलर एलिवेशन कांस्टेंट. और इसको और ये मेरा क्या हुआ? मोलैलिटी. अब मोलैलिटी क्या होता है ये अपन पढ़ चुके हैं. बताओ मोलैलिटी क्या होता है? नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वेट ऑफ द सॉल्वेंट. ठीक है, उसको मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ कि आपका डेल्टा टी वी इज इक्वल टू के वी इंटू वेट ऑफ सॉल्वेंट है तो अपन लिख देंगे डब्ल्यू टू अपॉन एम टू इंटू वेट ऑफ सॉल्यूट. सारा और डब्ल्यू वन स्टैंड फॉर वेट ऑफ द सॉल्वेंट, मास ऑफ द सॉल्वेंट. और जनरली ग्राम में दिया होगा तो मैं इसको 1000 से मल्टीप्लाई करते हैं. तो ये मेरा फॉर्मूला बना आपका किसका? एलिवेशन इन द बॉइलिंग पॉइंट. इसमें कोई डाउट हो तो पूछो. नो सर. ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ? डेल्टा टी बी इज इक्वल टू माइनस टी बी नो. और ये हो गया आपका के बी इंटू डब्ल्यू टू इंटू 1000 अपॉन एम डब्ल्यू इंटू डब्ल्यू. ठीक है, इन सब के सिंबल मीनिंग हम अभी बाद में सब एक एक करके देख लेंगे. ये एक मेरा फॉर्मूला बना. ठीक है, क्लियर हुई बात यहाँ पे? तो ये डेल्टा टी वी मेरा क्या है? एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट. तो आपको या तो क्या दिया होगा? नॉट दिया होगा कभी कभी. अच्छा, दूसरी चीज एक्वस सॉल्यूशन है यहाँ पे, तो कुछ चीजें आपको डिफॉल्ट याद रखनी है कि आपका एक्वस सॉल्यूशन दिया है, वाटर सॉल्वेंट है, तो वाटर का मेरा बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? 373 केल्विन होता है. आगे फ्रीजिंग पॉइंट आएगा तो वो 273 केल्विन होता है. और वाटर का मेरा यहाँ पे वेट है, मॉलिक्यूलर वेट, तो फिर वेट आपका दे रखा होगा. ठीक है, तो डेल्टा टी बी अगर आपसे पूछा जाए एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, तो वो डेल्टा टी बी है. ठीक है, आपका बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन पूछा जाए तो मतलब टी बी होगा. ठीक है, और आपका अगर ये पूछा जाए प्योर सॉल्वेंट तो ये रहेगा. उसके अलावा क्या पूछ सकते हैं? जनरली वो वेट ऑफ सॉल्यूट ज्यादातर पूछा जाता है. मतलब क्या है कि देखो, आपकी जितनी क्वांटिटीज दे रखी हैं उसमें से आपको कोई एक क्वांटिटी फाइंड करनी है, बाकी डायरेक्टली या इनडायरेक्टली दे रखी होगी. तो इस फॉर्मूले के थ्रू आप उसको निकाल सकते. जब भी जो सॉल्यूशन है मेरा उसमें वेपर, आपका वेपर प्रेशर डिक्रीज होगा सॉल्यूशन का, तो आपका उसका फेजिंग पॉइंट भी डिक्रीज होगा कंपेयर टू प्योर सॉल्वेंट. ठीक है, अब हमें एक चीज पता है कि आप बोलोगे फ्रीजिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट पे क्या होता है? सिंपल चीज है, एक बार अपन ने डिस्कस किया था. क्या है? सॉलिड मेरा किसमें कन्वर्ट हो रहा है? लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है. ठीक है, सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है. मैंने ये चीज बोली थी कि यहाँ पे इक्विलिब्रियम भी रहता है. फ्रीजिंग पॉइंट 0 डिग्री सेंटीग्रेड अगर वाटर के लिए है, तो वहां पे क्या होगा कि लिक्विड आपके एटम में पार्टिकल्स वो कन्वर्ट हो जाएंगे सॉलिड में, सॉलिड आपके कन्वर्ट हो जाएंगे लिक्विड में. दे रिमेन इन अ डायनामिक इक्विलिब्रियम स्टेट एट द फ्रीजिंग पॉइंट. ठीक है, फ्रीजिंग पॉइंट पे मेरे लिक्विड और सॉलिड जो है वो आपस में फेस क्या है, वो आपके डायनामिक इक्विलिब्रियम आपके रहते हैं. मतलब वो एक दूसरे में आपके कन्वर्ट होते रहते हैं. ठीक है, यस सर. फ्रीजिंग पॉइंट फिर होता क्या है? फ्रीजिंग पॉइंट को डिफाइन कैसे करोगे? 12th क्लास में अगर आप होना बेटा तो ये सब की डेफिनेशन आ सकती है, तो उसकी डेफिनेशन ढंग से समझ लेना और उसको ढंग से लिखना. और एग्जाम्पल्स के बेस पे, एग्जाम्पल के लिए सिंपल आप सॉल्वेंट ले सकते हो वाटर, और सॉल्यूट कोई भी ले लो अगर आपके सॉलिड की बात हो रही है, ग्लूकोस या सॉल्ट आपका सॉल्ट. ठीक है, ये होता है मेरा फ्रीजिंग पॉइंट. मतलब वाटर को ही ले लेते हैं हम. अगर मैंने आपसे यहाँ पे बोला वाटर है मतलब लिक्विड, तो हम जनरल क्या बोलते हैं? वाटर लिक्विड फॉर्म को बोलते हैं. ठीक है, और मैं आपको बोलूंगा आइस, आइस मेरी क्या हो गई? सॉलिड फॉर्म. तो यहाँ पे वेपर प्रेशर ऑफ वाटर इज इक्वल्स टू द वेपर प्रेशर ऑफ द आइस. ये किस टेम्परेचर, किस पॉइंट की बात है? फ्रीजिंग पॉइंट की बात. ठीक है, फ्रीजिंग पॉइंट पे क्या हो रहा है? फ्रीजिंग पॉइंट पे आपका यही हो रहा है कि मेरा जो लिक्विड है आपका, ठीक है, लिक्विड फेस और सॉलिड फेस है, इन दोनों के
वेपर प्रेशर क्या है मेरे, इक्वल है। वेट अ मिनट, ठीक है, लिक्विड फेस है आपका, इसका वेपर प्रेशर, और सॉलिड फेस है आपका, इसका वेपर प्रेशर इक्वल हो जाता है। कब इक्वल हो जाता है? फ्रीजिंग पॉइंट पे। किस टेम्परेचर पे? उस टेम्परेचर पे, ठीक है। फ्रीजिंग पॉइंट पे आपका वेपर प्रेशर ऑफ द लिक्विड फेस बिकम इक्वल टू द वेपर प्रेशर ऑफ द सॉलिड फेस। ठीक है, क्लियर हुआ यहाँ तक? मतलब यहाँ पे वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन किसके बराबर होगा आपका? जब वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, आपका वेपर प्रेशर हो जाएगा आपका प्योर सॉलिड सॉल्वेंट के बराबर। ठीक है, इसको और अच्छे से लिख देते हैं, इसके बराबर हो जाएगा वेपर प्रेशर ऑफ द प्योर सॉलिड सॉल्वेंट के बराबर जब होगा, ठीक है, तब क्या होगा आपका? फ्रीजिंग अफेक्ट। क्लियर हो गया? सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर जब प्योर सॉलिड सॉल्वेंट के बराबर हो जाएगा तो मेरा क्या हो जाएगा? फ्रीजिंग हो जाएगी। एक एग्जांपल, वही सिंपल एग्जांपल लेता हूँ, प्योर सॉलिड सॉल्वेंट को मैं आइस बोल सकता हूँ यहाँ पे, और यहाँ पे कोई भी एक सॉल्यूशन ले लो, सपोज मैंने उसमें नमक डाल दिया तो वो सॉल्यूशन बन गया, ये मैंने ले लिया सपोज समझने के लिए शुगर सॉल्यूशन। तो इन दोनों का वेपर प्रेशर जब बराबर होगा तो फ्रीजिंग होगी, और फ्रीजिंग पॉइंट पे क्या होता है? वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड और वेपर प्रेशर ऑफ आइस बराबर हो जाता है। जब वेपर प्रेशर बराबर होगा तभी तक फ्रीजिंग होगी। आपने बॉइलिंग पॉइंट में अपन ने क्या देखा था? वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड किसके बराबर हो जाता है? एटमोस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाता है। तो यहां तक बात क्लियर हुई? यस सर। ठीक है, तो फ्रीजिंग पॉइंट पे वैसे भी यहाँ पे अपन लिख देते हैं एक बार और, जो मेरा लिक्विड फेस है और जो मेरा सॉलिड फेस है, ठीक है, वो आपस में इक्विलिब्रियम में होते हैं। क्लियर हो गया? और इसके अलावा इसको हम कह सकते हैं मोलल डिप्रेशन कांस्टेंट, ठीक है, मोलल वो था मेरा मोलल एलिवेशन कांस्टेंट और ये है मेरा मोलल डिप्रेशन कांस्टेंट, ठीक। और Yes, यहाँ sir. पे बोलेलिटी है तो बोलेलिटी को मैं किस तरह से लिख सकता हूँ? डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू के एफ, और ये हो जाएगा मेरा आपका डब्ल्यू टू वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट ऑफ द सॉल्यूट, और ये आपका वेट ऑफ द सॉल्वेंट, और इसको हमने 1000 से मल्टीप्लाई कर दिया क्योंकि जनरली कहाँ है आपको, ग्राम में दिया रहेगा। तो ये मेरा पूरा फॉर्मूला बना आपका किसके लिए? आपका फॉर डिप्रेशन इन द फ्रीजिंग पॉइंट। क्लियर हो गई बात? यहाँ पे वेट, ये डब्ल्यू टू क्या है मेरा? वेट ऑफ सॉल्वेंट। एम टू क्या है मेरा? आपका मोलर मास ऑफ द पर्टिकुलर सॉल्यूट, सॉरी नॉट सॉल्वेंट, सॉल्यूट। ये आपको इसमें से देखो कोई आपको सारी चीजें गिवन होंगी, कोई एक चीज निकालनी हो। सेम चीज यहाँ पे भी मैं आपसे बोलूंगा, अगर वाटर की बात आती है तो वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट आपको पता है 0 डिग्री सेंटीग्रेड, आई मीन 273 डिग्री केल्विन। क्लियर? यस सर। ये कुछ चीजें हमें अंडर पहले से पता होनी चाहिए। ठीक है, अब इस पे बेस्ड हम करते हैं। उसके बाद यहाँ पे एक चीज और है, इसको इस तरह से आपका कभी कभी वो ये पूछ लेते हैं मोलर मास या वेट ऑफ द सॉल्यूट, तो कुछ नहीं आप इसको जस्ट शिफ्ट कर दो, एनसीईआरटी में टर्म दिया या आपको एम इस तरीके से दे रखा है, इनटू केएफ इनटू डब्ल्यू टू इनटू 1000, और इसको कर दिया इन्होंने नीचे डेल्टा टी एफ इंटू डब्ल्यू वन। यहाँ क्या किया? कुछ नहीं है, एम टू को कर दिया आपका लेफ्ट हैंड साइड और टी एफ को इधर ले आए, मतलब हमें जो चीज निकालनी है उसको आप कर दोगे जनरली लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है। तो आपको मोलर मास ऑफ सॉल्यूट अगर निकालना हो तो उन्होंने इस तरीके से कर दिया है। ठीक है, यस सर। तो कोई एक चीज आपको निकालनी है, बाकी सब गिवन है, ये है। उसके बाद क्या है यहाँ पे कि आपको अगर के एफ और के बी, ये दोनों क्या है मेरे, ये तो बी मतलब देखो बी याद रखना बॉइलिंग पॉइंट से, एफ याद रखना फ्रीजिंग से, तो बी हो गया मेरा मोलल एलिवेशन कांस्टेंट या आपका एवियोलोस्कोपिक कांस्टेंट, के एफ हो गया आपका मोलल डिप्रेशन कांस्टेंट या आपका क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट। इसकी वैल्यूज अगर गिवन नहीं हो, उसकी जगह आपको दिया हो फ्यूजन डेल्टा एच फ्यूजन, और आपको दिया हो मोलर मास ऑफ द सॉल्वेंट, ठीक है, और आपको गैस कांस्टेंट दिया हो और आपको फ्यूजन दिया हो आर एंड डेल्टा एच फ्यूजन
या डेल्टा इज वेपोराइजेशन, ये दिया हो तब कैसे करोगे? उसके लिए फॉर्मूला एनसीईआरटी में दे रखा है, समझ रहे हो ना? के एफ के बी ना दे दिया हो और हमें ये चीजें दी, तो पहले अपन के एफ निकालेंगे, के बी निकालेंगे, ठीक है? तो के एफ इज इक्वल टू आर इंटू एम वन इंटू पी एफ होल स्क्वायर, ठीक है, अपॉन 1000 इंटू डेल्टा एच क्यूजन एच। ये क्या हो गया? एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन हो गया। ये एक फॉर्मूला और है, यहाँ पे जब आपको क्या निकालना हो, क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट या मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट, और आपको गिवन क्या हो, आपको गिवन हो यहाँ पे एक तो आर गिवन हो गैस कांस्टेंट वैल्यू, वो तो हमें पता ही है। एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन गिवन है, और फ्यूजन क्या होता है, सॉलिड से जो लिक्विड में कन्वर्ट होता है उसको हम बोलते हैं फ्यूजन, लिक्विड से जो आपका गैस में कन्वर्ट होता है तब उसको हम बोलते हैं वेपोराइजेशन, ठीक है? Yes. तो ये चीज है ना। सेकंड आपका सेम यहाँ पे उन्होंने दे रखा है, उसके लिए अगर आपको के बी फाइंड आउट करना है, के बी इज इक्वल टू आर इंटू एम वन इंटू पी बी स्क्वायर अपॉन 1000 इंटू एंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन, ठीक है? ये आपका किसके लिए हो गया? ये आपका हो गया आपको अगर निकालना हो इब्यूलोस्कोपिक कांस्टेंट या मोलर एलिवेशन। क्लियर हुई बात? यस सर। ठीक, दूसरा चीज यहीं पे इन्होंने ये दे रखा है, प्योर सॉल्वेंट से सॉल्यूशन। अब प्योर सॉल्वेंट से सॉल्यूशन मतलब वही बात हो गई, सॉल्यूशन के टर्म्स में बात कर रहे हैं यहाँ पे, थोड़ा सा समझ लेना। आपने बोला था हाई टू लो, वो भी बात सही है, डिफ्यूजन है वो भी देखेंगे। लो कंसंट्रेशन सॉल्यूशन टू हायर कंसंट्रेशन सॉल्यूशन, सॉल्यूशन के टर्म्स में बात हो रही है, ठीक है? सॉल्यूशन के टर्म्स में बात हो रही है, तो क्या है ये लो कंसंट्रेशन है सॉल्यूशन का? ये सॉल्यूशन की बात करें तो ये लो कंसंट्रेशन है और ये हायर कंसंट्रेशन है, तो ऑस्मोसिस में क्या होगा, आपका मूवमेंट होगा यहाँ पे इधर, ठीक है? मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट पार्टिकल फ्रॉम लो कंसंट्रेशन सॉल्यूशन टू हायर कंसंट्रेशन सॉल्यूशन, ठीक है? और इसको जो आपका प्रेशर रिक्वायर्ड टू स्टॉप द ऑस्मोसिस इज कॉल्ड एज ऑस्मोटिक प्रेशर। क्लियर हो गई बात? मूवमेंट ऑफ द सॉल्वेंट पार्टिकल इन ए सिस्टम बाय द सेमी परमीएबल मेम्ब्रेन फ्रॉम लो कंसंट्रेशन सॉल्यूशन टू हाई कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन, ठीक है, इज कॉल्ड एज द ऑस्मोसिस। फ्लो ऑफ सॉल्वेंट फ्रॉम प्योर सॉल्वेंट टू द सॉल्यूशन, ठीक है? यही चीज याद रखना, ये तो कंफ्यूजन हो जाएगा। फ्रॉम प्योर सॉल्वेंट टू द सॉल्यूशन, सॉल्वेंट की बात आई तो दिमाग में आप एग्जांपल याद रखने के लिए रख लो वाटर, सॉल्यूशन की बात आई एक सॉल्यूशन पकड़ लो जिसमें सॉल्यूट प्रेजेंट हो, जिसमें नमक बोल देता हूँ, ठीक है? या यहाँ पे ये दिया हुआ है फ्रॉम लो कंसंट्रेशन सॉल्यूशन, एक ही बात है, लो कंसंट्रेशन सॉल्यूशन टू हायर कंसंट्रेशन सॉल्यूशन, इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम बोल देंगे ऑस्मोसिस प्रेशर, ठीक है? ये हमारा क्या होता है, ऑस्मोसिस होता है। क्लियर हुआ आपको? एनी डाउट? नो सर। क्लियर हुआ? यहाँ पे कोई कुछ डाउट हो तो पूछ लो, क्योंकि ये थोड़ा सा क्या है यहाँ पे, ये चीज इसके तो ये चीज बस याद रख लेना, लो कंसंट्रेशन सॉल्यूशन टू हायर कंसंट्रेशन सॉल्यूशन, और इसी का अगर उल्टा मैं भी कह सकता हूँ सॉल्वेंट के टर्म्स, हायर कंसंट्रेशन सॉल्वेंट टू लोअर कंसंट्रेशन सॉल्वेंट, आपको याद रखना है तो रख लो, नहीं तो उसमें क्या कंफ्यूजन भी हो सकता है, फिर भी एक बार लिख देता हूँ। और हाई कंसंट्रेशन सॉल्वेंट टू लो कंसंट्रेशन सॉल्वेंट, ठीक है? इसको क्या बोलोगे आप, यही पूरी प्रोसेस रखती है सॉल्यूशन। इसको अब मैंने 2 दिन बनाए हैं, उसको डब्बे में बंद करना जरूरी है, ये मैंने डब्बे में बंद कर दिया और आपका ये काम हो, ठीक है? अब यहाँ पे ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है, तो सिंपल चीज है, प्रेशर रिक्वायर टू स्टॉप द ऑस्मोसिस इज कॉल्ड एज ऑस्मोटिक प्रेशर। तो यहाँ मैंने एक लगा दिया बढ़िया सा प्रेशर, जिसे हम बोलेंगे यहाँ पे पाई, ठीक है?
यहाँ मैं इसको लिख देता हूँ पाई, ये पाई क्या है, इसको मैंने लिख दिया ओपी, ओपी ओपी चल रहा है, ये ओपी ओपी क्या है, ओपी ऑस्मोटिक प्रेशर, क्लियर हुई बात, प्रेशर। अब मेरा सॉल्वेंट का फ्लो कहाँ से हो रहा था, मैं कह सकता हूँ लो कंसेंट्रेशन से हायर कंसेंट्रेशन में, सॉल्यूशन की बात करो, अगर मैं सॉल्यूशन की बात करता हूँ तो लो कंसेंट्रेशन से हायर कंसेंट्रेशन, सॉरी हाँ ये लो कंसेंट्रेशन से, लो कंसेंट्रेशन से हायर कंसेंट्रेशन में हो रहा था। अब अगर मैं प्रेशर उतना ही लगा दूं जितना यहाँ लग रहा है तो ये क्या ऑस्मोस्टिक प्रेशर, ऑस्मोसिस आपकी जो है स्टॉप हो जाएगी, ठीक है, तो उसको प्रेशर आपका ऑस्मोसिस स्टॉप करने के लिए जो प्रेशर चाहिए उसको हम बोलेंगे ऑस्मोटिक प्रेशर, जिसको हम रिप्रेजेंट करेंगे पाई से, ठीक है। और यहाँ से एक इम्पोर्टेंट आपका बनता है फॉर्मूला, उससे पहले कुछ ऑस्मोसिस के एग्जाम्पल्स डेली लाइफ से रिलेटेड, ठीक है, ज्यादा जल नहीं बनाएंगे। सबसे पहली चीज तो ऑस्मोसिस आप बोलोगे रेजिन्स, किशमिश देखी है आपने, किशमिश को शायद रेजिन्स बोलते हैं ना, यस सर, रेजिन्स स्वेल इन वाटर, कभी साइंस को बेटा जितना है ना डेली लाइफ से रिलेटेड आप वो करोगे क्या कहते हैं कोरिलेट, उतना ही बेटर रहेगा, रेजिन्स ठीक है, रेजिंस स्वेल इन द वॉटर। दूसरा आपका पिकल प्लेस्ड इन द मसाला होता है, तो मसाले को मैं यहाँ मसाला ही लिख देता हूँ, अचार मसाला, बढ़िया याद रहे, अचार मसाला घर पे पिकल तो कभी खाया होगा, रखा होगा ना, उसको मसाला रहता है। उसके बाद दो कंडीशन, हाँ उसके बाद ठीक है, उसके अलावा बहुत भी बहुत सी चीजें होती हैं, जैसे कि आप फूल को निकाल लो, कई सारे एग्जांपल होते हैं, ठीक है, तो उसको जब आप वो करोगे फूल को निकाल लेते हो तो क्या हो जाता है कि वो मुरझा जाता है, ठीक है, विल्ट फ्लावर व्हेन रिवाइव प्लेस इन द फ्रेश वाटर, तो विल्ट फ्लावर जो है मेरा मतलब कि मुरझाया हुआ फूल है, उसको आप फ्रेश वाटर में डाल दोगे तो वो क्या दोबारा अपनी ओरिजिनल पोजिशन में आ जाएगा, ठीक है, रिवाइव इन द फ्रेश वाटर, ठीक है। ये कुछ एग्जाम्पल है ऑस्मोसिस से, अब इसको हम समझेंगे भी थोड़ा सा, ठीक है। और दूसरा ये है आपका ब्लड सेल्स, अगर हम उसको ब्लड सेल्स को हम सलाइन वाटर में डालते हैं, ठीक है, ये एक्सपेरिमेंट आपने सुना भी होगा, पहले पढ़ा होगा, ब्लड सेल्स पुट इन द सलाइन वाटर, तो वहां भी आपका ऑस्मोटिक प्रेशर होता है, ठीक है, मतलब ऑस्मोसिस फिनोमिना होती है, सॉरी ऑस्मोटिक प्रेशर, ठीक है। ये आपके चार एग्जांपल्स ये आपके दिए हुए हैं एनसीईआरटी में, रेजियंस का मैंने आपका ऐड कर दिया, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे कुछ पॉइंट दिए हुए हैं, वो पॉइंट है हम एक बार डिस्कस कर लेते हैं, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। अब सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन की प्रॉपर्टी क्या होती है, परमिएबिलिटी आपको शायद पता हो, है ना, कि कुछ को पास करने देता है, पल में क्या है कुछ पार्टिकल्स पास हो जाते हैं कुछ नहीं हो जाते हैं, तो इसमें क्या है आपका सॉल्वेंट वाला जो है मॉलिक्यूल वो तो हो जाएगा पास, लेकिन सॉल्यूट आपका पास नहीं हो पाएगा, ठीक है, सॉल्यूट आपका पास नहीं हो पाएगा। इस तरह की मेम्ब्रेन को बोलोगे आप सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, जो बिगर पार्टिकल है सॉल्यूट पार्टिकल साइज में बिगर होता है वो पास नहीं हो पाता, ठीक है। अब ये मेम्ब्रेन कई तरह की होती है, एनिमल और वेजिटेबल ओरिजिन की भी होती है, उसके बाद आप यहाँ पे दिया हुआ एनसीईआरटी में पिग ब्लैडर और पार्चमेंट और सेलफन, ठीक है, एक आपका पिग ब्लैडर करके दिया हुआ है, पिग का ब्लैडर है उससे बनता है वो, उसके बाद एक आपका पार्चमेंट पेपर होता है, ठीक है, पार्चमेंट पेपर, और उसके बाद एक सेल्फेन मेम्ब्रेन, ये होती है आपकी सिंथेटिक, ठीक है। तो ये तीन आपके एग्जांपल्स हैं ऑफ अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन की, क्लियर हुई बात ये, यस सर। ऑस्मोटिक प्रेशर जो है मेरा एट किसी भी गिवन टेम्परेचर पे सेम है, ऑस्मोटिक प्रेशर एट गिवन टेम्परेचर सेम, ठीक है, उसको आप क्या बोल दोगे आइसोटोनिक, क्लियर हुई बात, यस सर। अगर ज्यादा बन गया तो तीन तरह के मेरे, अब मानो दो रखे हुए हैं आपके अलग अलग वेसल में सॉल्यूशन, ठीक है, अब एक का कंसंट्रेशन अगर ज्यादा बढ़ गया तो ये क्या होगा मेरा हाइपरटोनिक, है ना, इसको सॉरी हम तो ये क्या हो जाएगा मेरा, ये हो जाएगा मेरा हाइपरटोनिक, ठीक है, और ये क्या हो जाएगा मेरा आइसोटोनिक, ठीक है। अब अगर यहाँ पे मैं इसको ज्वाइंट कर दूं
बाय सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से, तो समझना हाइपरटोनिक यानी कि क्या है, कंसंट्रेशन ज्यादा है, कह सकता हूँ मैं सॉल्यूशन ज्यादा कंसंट्रेटेड है ना हाइपरटोनिक, उसके सर कंपैरिजन में लो कंसंट्रेटेड है। तो यहाँ पे मूवमेंट कहाँ होगा आपका, लो कंसंट्रेशन टू हायर कंसंट्रेशन में होगा, इसको थोड़ा ध्यान से समझ लेना। लो कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन में किसका मूवमेंट होगा, सॉल्वेंट का होगा। सॉल्वेंट अपना यहाँ पे क्या है, वाटर है। तो अगर हाइपरटोनिक में रखता हूँ तो क्या है कि आइसो अगल बगल का मीडियम मेरा पूरा हाइपरटोनिक है, तो यहाँ पे क्या है कि पूरा का पूरा सॉल्वेंट ट्रांसफर हो जाएगा और वो इसमें से सॉल्वेंट निकल जाएगा और आपका श्रिंक हो जाएगा। समझ पा रहे हो उस बात को मैं क्या कह रहा हूँ, ये मेरा आइसोटोनिक है ठीक है, और ये हाइपरटोनिक है, हाइपरटोनिक का कंसंट्रेशन ज्यादा है। अब मैंने बोला था ऑस्मोसिस प्रोसेस कैसे होगी कि लो कंसंट्रेशन सॉल्यूशन टू हाई कंसंट्रेशन सॉल्यूशन, यहाँ पे मूवमेंट कहाँ से होगा, आइसोटोनिक से हाइपरटोनिक में होगा, किसका, सॉल्वेंट का, बीच में प्रेजेंट है मेरी सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। क्लियर हुई बात, यस ये जो रेड कलर का डिब्बा है ना इसको दिमाग में बिठा लो अच्छे से, ये यहाँ पे मैं अभी मार्कर चला रहा हूँ, ये इसको दिमाग में अच्छे से फिट कर लो, क्योंकि क्या इस पे एप्लीकेशनल बेस बहुत क्वेश्चन आएंगे आपके। दो ऐसे डब्बे, डब्बे तो मैंने सिंपल लैंग्वेज में बोल दिया है, दो वेसल रखे हैं या दो मेम्ब्रेन है या दो सिस्टम है, जनरल वर्ड दे कैन यूज टू 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 सिस्टम्स, आइदर दे आर आइसोटोनिक और दे आर हाइपरटोनिक और दे आर हाइपोटोनिक, कनेक्ट कर जाते हैं तो कहाँ से कहाँ ट्रांसफर होगा या क्या होगा, ये चीज हमें क्लियर होनी चाहिए। तो आपको बस एक चीज याद रखनी है, एनसीईआरटी में भी दी है कि सॉल्वेंट का मूवमेंट, अब जनरली इसे यहाँ वाटर ही पूछा जाएगा, वाटर ले लो, सॉल्वेंट का मूवमेंट कहाँ से होगा, लो कंसंट्रेशन सॉल्यूशन से हायर कंसंट्रेशन सॉल्यूशन में होगा। क्लियर हुई बात यहाँ तक, एक ये बना दिया मैंने आइसोटोनिक और बड़ा वाला बना दिया मैंने हाइपरटोनिक, ठीक है, ये है मेरा हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, सॉरी ठीक है, और ये है मेरा आइसोटोनिक, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, यस हाँ ये इसका कंसंट्रेशन ज्यादा है। अब सॉल्वेंट की जगह हम सिंपल वाटर ले लेते हैं, वाटर मेरा सॉल्वेंट है, तो वाटर का मूवमेंट कहाँ से कहाँ होगा, लो कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन में होगा, तो वाटर का मूवमेंट मेरा यहाँ से बाहर होगा, मतलब वाटर क्या होगा, बाहर चला जाएगा, तो अंदर आइसोटोनिक वाला है वो क्या हो जाएगा, वो श्रिंक हो जाएगा, अगर आपका इसकी प्रेजेंस में होगा, हाइपरटोनिक की प्रेजेंस में होगा तो वो श्रिंक हो जाएगा, क्योंकि मेरा सॉल्वेंट कहाँ जा रहा है, आपका जा रहा है हायर कंसंट्रेशन सॉल्यूशन की तरफ यानी कि बाहर जा रहा है, तो अंदर मानो ये मेम्ब्रेन है तो ये आपका श्रिंक हो जाएगा, इसमें सॉल्वेंट नहीं बचेगा। क्लियर हो गई बात, ये यस इस तरह के क्वेश्चंस आएंगे बेटा कि आपके दो सिस्टम है, एक आइसोटोनिक है एक हाइपरटोनिक है, या एक का आपका ऑस्मोटिक प्रेशर ज्यादा कम है एक हाइपोटोनिक है, तो वाटर का मूवमेंट कहाँ से कहाँ होगा, सॉल्यूट का मूवमेंट कहाँ से कहाँ होगा, ये चीज याद रखना है। तो देखो सॉल्यूट अपोजिट है सॉल्वेंट से, आप याद रखना सॉल्वेंट कहाँ से कहाँ जाएगा, लोअर कंसंट्रेशन सॉल्यूशन से हायर कंसंट्रेशन सॉल्यूशन, ये जो आपका रेड कलर के डिब्बे में बना हुआ है। क्लियर हो गई बात, अपोजिट कर दूं अगर ये हाइपोटोनिक हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, आइसोटोनिक है, आइसोटोनिक ज्यादा कंसंट्रेटेड है तो आपका वाटर जो अंदर आ जाएगा सिस्टम के, अगर हाइपरटोनिक की जगह मैं यहाँ पे हाइपोटोनिक कर देता हूँ। क्लियर हुई बात, यस सर इसको अपन और अच्छे से समझाएंगे। अब यहाँ पे एक चीज थोड़ा सा देखते हैं, वो ये है मामला, ऑस्मोटिक प्रेशर को हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, फिर ऑस्मोटिक प्रेशर को बेटा रिप्रेजेंट करते हैं पाई इज इक्वल्स टू सी आर टी, पाई मेरा यहाँ पे क्या है ऑस्मोटिक प्रेशर, सी मेरा क्या है कंसंट्रेशन है सॉल्यूशन का, आर आपका गैस कांस्टेंट है और टी वो पर्टिकुलर टेम्परेचर है। क्लियर, तो इसका जो ये फॉर्मूला निकल के आया, दिस इज पाई इक्वल्स टू सी आर टी। अब प्रेशर है तो प्रेशर की यूनिट भी जनरली वो ही देंगे, या तो एटमोस्फेयर प्रेशर देंगे या MMHg, वो आपको कुछ भी दे सकते हैं, ये हो गया मेरा ऑस्मोटिक प्रेशर, ठीक है, ये क्या हो गया ऑस्मोटिक प्रेशर, यस तो मेरा कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन, ठीक है, टी टेम्परेचर है, आर मेरा गैस कांस्टेंट, तो गैस कांस्टेंट है उसकी वैल्यू फिक्स रहेगी, मतलब इन सब की वैल्यू क्या रहने वाली है, इन सब की वैल्यू रहने वाली है बिल्कुल फिक्स। क्लियर हुई सर बात, यस अब आपको एक कंडीशन दे रहेगी टू आइसोटोनिक सॉल्यूशंस, क्या दिया रहेगा हमेशा जब भी रहेगा, टू आइसोटोनिक सॉल्यूशंस आर प्लेस्ड या प्रेजेंट, जब भी टू आइसोटोनिक सॉल्यूशंस करके आए तो वहां कंडीशन बनती है पाई वन इज इक्वल टू पाई टू, मतलब कि आइसोटोनिक सॉल्यूशन है तो हमारी गिवन है कि मेरा ऑस्मोटिक प्रेशर क्या है वहां पे सेम है, ठीक है, तो वो जो कंडीशन यस वहां बनेगी वो पाई वन इज इक्वल टू पाई टू।
ठीक यस सर, है, ये चीज तो आइसोटोनिक सॉल्यूशन से मतलब पाई वन इज इक्वल टू पाई टू। अब हम क्या करेंगे, आप पाई वन इक्वल टू पाई टू पे आप सीआरटी की वैल्यू रख दो, सी वन आर टी इज इक्वल टू सी टू आर टी। देखो आर तो मेरा क्या है, कॉन्स्टेंट ही रहने वाला है ना, आर तो चेंज होना नहीं है, यस ठीक है। और हम जहां पे एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं देख रहे हैं, तो टेम्परेचर भी मेरा सेम है, क्लियर हुई बात। यस सर, तो आर एंड टी मेरा क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया। यहाँ पे मेरा बचा सी वन इज इक्वल टू सी टू। अब सी वन क्या होता है, कंसेंट्रेशन क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम है, और ये क्या हो गया, नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम है। तो ये मेरा फाइनल निकल के आया। इसको मैं और किस तरीके से लिख सकता हूँ, डब्ल्यू वन अपॉन मास इंटू वॉल्यूम, ठीक है, इज इक्वल्स टू डब्ल्यू टू अपॉन मास इंटू वॉल्यूम। अब अगर वॉल्यूम सेम है तो अलग हो जाएगा, नहीं होगा तो भी अपन देख सकते हैं, ठीक है। मोस्टली मैं आपको क्या दे देंगे, आपको दे देंगे दो आइसोटोनिक है और आपको किसी एक पर्टिकुलर सॉल्यूट का आपको वेट निकालना है या मॉलिकुलर मास निकालना है, ठीक है। तो वहां पे फिर कुछ इस तरीके से हिसाब ये, क्लियर हुई बात है, यस सर, आया समझ में। यस सर, तो हमने पहला पढ़ा आपका एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, फिर डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, और उसके बाद मैंने क्या पढ़ा आपका ऑस्मोसिस एंड ऑस्मोटिक प्रेशर। अब आपको कंडीशन दे रखी है कि अगर टू आइसोटोनिक सॉल्यूशन से, या तो आपको ऑस्मोटिक प्रेशर फाइंड करना होगा या ऑस्मोटिक प्रेशर दिया होगा, और आपका क्या होगा, आपको कंसेंट्रेशन फाइंड करने को दे दिया जाएगा, ठीक है, या आपको दिया रहेगा कि टू यस आइसोटोनिक, सर, कंडीशन मेरी आइसोटोनिक सॉल्यूशन है, आप वहां क्या करोगे, पाई वन इक्वल टू पाई टू करोगे। अब अगर कुछ ना गिवन है तो जनरली टेम्परेचर हमें कांस्टेंट ही रहना है, क्योंकि सेम टेम्परेचर पे, ठीक है, सेम टेम्परेचर दिया रहेगा, तो आर और टी हमारा हो जाएगा कांस्टेंट, तो बचेगा सी वन इज इक्वल टू सी टू। फिर उसके अकॉर्डिंग आपको वो हिंट दे के, कुछ चीजें आपको गिवन दे के आपसे फाइंड कर सकते हैं। तो यहाँ पे एट द एंड बात क्या है, आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए, ठीक है। यस सर, क्वेश्चन पूछा जाता है, कंसेप्चुअल पता होना चाहिए। ऑस्मोटिक प्रेशर जो है वो मेथड वाइडली यूज होता है, ठीक है, ऑस्मोटिक प्रेशर मेथड इज वाइडली यूज, ठीक है। अब क्यों यूज किया जाता है, उसका रीजन हम बताते हैं, इसका क्या बेनिफिट है किसके ऊपर, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट और डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट के ऊपर। एक तो चीज ये है कि इट्स वैल्यू डोंट चेंज ओवर द डाइल्यूट सॉल्यूशंस, जो बहुत सारे आपके डाइल्यूट सॉल्यूशंस होते हैं ना अलग अलग, वहां पे क्या है, वैल्यू चेंज नहीं होती। दूसरी चीज आपका, हाँ एक चीज और यहाँ बताना भूल गया, एन अपॉन वी क्या होता है, मोलेरिटी होती है। तो यहाँ कंसेंट्रेशन में क्या लिया गया है, मोलेरिटी लिया गया है, ठीक है, ऑस्मोटिक प्रेशर में मोलेरिटी लिया गया है, और आपका बॉइलिंग पॉइंट और फ्रीजिंग पॉइंट में क्या लिया गया था, मोलेरिटी लिया गया। क्लियर हुई बात, मॉडल क्लियर हुई बात यहाँ तक। सर, अगर मेरा सॉल्यूशन डाइल्यूट भी है बहुत, तो भी क्या है, उसके लिए आप मोलेरिटी कैलकुलेट कर सकते हो, सो इट कैन यूजफुल फॉर द डाइल्यूट सॉल्यूशंस आल्सो। तो ये इसका एक पॉजिटिव पॉइंट है ओवर आपका, क्या कहते हैं, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट और डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट के ऊपर का, ठीक है। तो तीन पॉइंट है, ठीक है, मोलेरिटी इज यूज्ड, ठीक है, इंस्टीड मोलेरिटी, ठीक है, ऑस्मोटिक प्रेशर में। तो वहां पे क्या होगा, इट्स मैग्नीट्यूड इज लार्ज फॉर डाइल्यूट सॉल्यूशन ऑल्सो, ठीक है। तो दूसरी चीज, जो मेरे बायोमोलिक्यूल्स होते हैं बड़े बड़े, ठीक है, बायोमोलिक्यूल्स, जैसे एक एग्जांपल मैं आपका ले लूं, नेचुरल बायोमोलिक्यूल्स, सेल्यूलोस हो गया, या कोई भी, मैं मानो डीएनए, या कोई भी बायोमोलिक्यूल्स हो गया, एंड पॉलीमर, इनकी हमें अगर प्रॉपर्टी फाइंड करनी है
तो उसके लिए ऑस्मोटिक प्रेशर ही हम यूज करते हैं कंपेयर टू आपका एलिवेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट। उसका रीजन ये है कि जो मेरा पॉलीमर होता है ठीक है, वो तो आपका क्या कहते हैं डाइल्यूट, उसमें क्या कहते हैं आपका सोल्युबिलिटी उसकी पुअर होती है, और बायोमोलिक्यूल होते हैं वो आपके हाई टेम्परेचर पे स्टेबल नहीं होते ठीक है। तो पॉलीमर की जो सोल्युबिलिटी होती है वो होती है आपकी पुअर। सोल्युबिलिटी इसकी होती है पुअर ठीक है, और बायोमोलिक्यूल क्या करते हैं आपका कांट रेजिस्टेंट हाई टेम्परेचर ठीक है। हाई टेम्परेचर पे आप उनकी प्रॉपर्टी को इजीली स्टडी नहीं कर सकते यार, इस वजह से आपका क्या है ऑस्मोटिक प्रेशर जो है वो आपका क्या है आपकी मच बेटर आपका कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी मेजर करने के लिए एक बेटर टूल है ठीक है। ये चीज है। दूसरी चीज आप पॉलीमर और बायोमोलिक्यूल क्या होता है, इनका मॉलिक्यूलर मास बहुत लार्ज होता है, तो आपका जो लार्ज मॉलिक्यूलर मास आइटम है उसको हम किससे ऑस्मोटिक प्रेशर से मेजर करते हैं ठीक है। ऑस्मोटिक प्रेशर इज अ मच बेटर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी टू मेजर ठीक है। तीसरी चीज आप खुद देखो हम किसकी बात कर रहे हैं, एक बॉइलिंग पॉइंट की बात कर रहा हूँ, दूसरा फ्रीजिंग पॉइंट की बात कर रहा हूँ, तो कंपैरेटिवली यहाँ पे स्टडी कर पाना डिफिकल्ट है। फ्रीजिंग पॉइंट अगर मैं एक लिक्विड वाटर का ही ले लूँ तो 0 डिग्री सेंटीग्रेड है ना, तो उसके लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट नहीं हो जाएगा अगर मैं आपको स्टडी करना है। सेम बॉइलिंग पॉइंट कितना 100 डिग्री सेंटीग्रेड को होता है, तो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट है और डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट है, ये टेम्परेचर है ये एक हम कह सकते हैं कंपैरेटिवली सुटेबल नहीं है, जबकि ऑस्मोटिक प्रेशर आप एक सुटेबल टेम्परेचर पर भी स्टडी कर सकते हो। तो ये सारे के सारे इसके पॉजिटिव पॉइंट्स हैं ऑस्मोटिक प्रेशर, व्हाई ऑस्मोटिक प्रेशर इज वाइडली यूज। क्लियर हो गई बात? यस सर। ठीक है, यहाँ पर हम स्टडी कर रहे हैं कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज रीजन। चार कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज के ये आपके फॉर्मूले है, जहाँ पे ऑस्मोटिक पोटेंशियल में आर टी सेम है तो सिंपल चीज है पाई वन पाई टू से क्या हो जाएगा मेरा सी वन इक्वल्स टू सी टू, सी वन इज इक्वल टू सी टू से आपका आ जाएगा एन वन अपॉन वी इज इक्वल टू एन टू अपॉन वी। अब वॉल्यूम भी कई बार सेम दे देते हैं वो है ना कि सेम वॉल्यूम है, तो वहाँ पे आपका क्या होगा वहाँ पे सिंपल वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट इंटू वी इज इक्वल टू वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट इंटू वी, तो यहाँ लिख देते हैं सी वन इज इक्वल टू सी टू मतलब क्या है एन वन वी अगर वॉल्यूम मेरा सेम इज इक्वल टू एन टू वी ठीक है। कई बार वॉल्यूम भी सेम रहता है मेरा तो वी वन वी टू ठीक है, तो यहाँ मैं लिख दूंगा इसको डब्ल्यू वन अपॉन डब्ल्यू टू सॉरी मॉलिक्यूलर वेट इज इक्वल टू डब्ल्यू टू अपॉन मॉलिक्यूलर वेट सेकेंड। दो अलग अलग सिस्टम है जो आपके आइसोटोनिक हैं, अब टेम्परेचर तो उनका वो सेम ही ऑपरेट हो रहा है, और अगर हमें ये कंडीशन और दे रखी कि वॉल्यूम भी सेम है तो आपसे क्या पूछ लेंगे फाइंड आउट द वेट ऑफ द सॉल्यूट, या वेट ऑफ द सॉल्यूट पूछ लेंगे आपसे आपका मॉलिकुलर वेट पूछ सकते हैं। क्लियर हो गई बात? अब ये आपके सबके सब क्या हो गए एक ही पेज पे मैंने आपके कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज के पूरे क्या लिख दिए फॉर्मूले और उनके जो भी सिंबल है उनका क्या मीनिंग है। क्लियर हो गई बात यहाँ तक? नेक्स्ट क्वेश्चन है ठीक है, अब उसको आप समझना पहले क्या क्या गिवन है वो देखते हैं। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द वाटर, अब वहाँ पे क्या दिया हुआ है बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द वाटर दे रखा है, पूरी लैंग्वेज में भी लिख ली रहा वो आपका दिया 99.63 डिग्री सेंटीग्रेड ठीक है। और उसके बाद हाउ मच सुक्रोज एडेड टू 500 ग्राम ऑफ द वाटर सच दैट इट बॉइल्स एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड। अब यहाँ पे ये दिया है कि कितना हाउ मच मैं क्या यहाँ पे सुक्रोज ऐड करूंगा ठीक है। 2.10 क्वेश्चन आप देख सकते हो पता ठीक है, हाउ मच सुक्रोज कैन बी एडेड, कि जो सॉल्यूशन बनेगा मेरा उसका क्या कहते हैं आपका बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्यूशन इक्वल्स टू 100 डिग्री सेंटीग्रेड। तो हमें यहाँ से क्या है कि सबसे पहले मैंने आपको जो पूरा मेथड बताया था पहले क्वेश्चन पढ़ो क्या गिवन है क्या हिंट दे रहा है और उसके बाद क्या हमें फाइंड करना है कौन सा फॉर्मूला पुट करेंगे। क्लियर हो गई बात? यहाँ बात हो रही है बॉइलिंग पॉइंट की, तो हम फॉर्मूला कौन सा पुट करेंगे एलिवेशन इन द बॉइलिंग पॉइंट ठीक है। मैं बोलूंगा यहाँ पे डेल्टा टी वी इज इक्वल्स टू के वी, और मोलरिटी की जगह कई बार डायरेक्ट वेट ऑफ द सॉल्यूट या आपका मोलर मास ऑफ द सॉल्यूट वो दे सकता है। तो ये मेरा रहेगा यहाँ पे फॉर्मूला ठीक है, 2 for solute and 1 for solvent। क्लियर हो गई बात यहाँ तक आपको? यस सर। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? अब देखो यहाँ पे एक चीज,
बॉइलिंग पॉइंट या कभी भी टेम्परेचर जनरली केल्विन में दिया रहता है और हमें केल्विन में ही पुट करना है अगर आपको बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्वेंट या सॉल्यूशन दिया रहता, बट यहाँ डिफरेंस बोला है तो देखो डिफरेंस क्या होगा, डिफरेंस आप दोनों करो तो आपका सेम रहेगा, चाहे आप उसको केल्विन में करके डिफरेंस फाइंड करो चाहे सेंटीग्रेड में फाइंड करो, ठीक है, तो डिफरेंस आपका सेम रहेगा, इस वजह से हम हाल फिलहाल इसको केल्विन में नहीं कर रहे हैं। तो ये आएगा मेरा 0.37, ठीक है, डेल्टा टी वी क्या आएगा 0.37, क्लियर हो गई बात में? Yes, sir. है ना, ये है सेंटीग्रेड में, आप केल्विन में भी कर दोगे तो देखो सिंपल चीजें सेम है, 100 केल्विन आप इसको करोगे केल्विन में तो कितना हो जाएगा 373 हो जाएगा, और ऊपर वाला हो जाएगा उससे थोड़ा सा कम, तो जो डिफरेंस आएगा वो सेम आएगा, ठीक है। तो मैं यहाँ क्या करूँगा, इसको करूंगा पुट करूंगा 0.37, और जनरली आपको के बी जो है आपका कॉन्स्टेंट इसकी वैल्यू गिवन रहेगी, उसकी कोई टेंशन नहीं, ठीक है, यहाँ पे नहीं है बट जनरली वो गिवन रहेगी, तो के बी की वैल्यू होती है मेरी फॉर वाटर 0.5, ठीक है। आपको फाइंड क्या करना है, आपको फाइंड करना हाउ मच सुक्रोस, ये समझो हाउ मच, मच मतलब वेट, क्या सुक्रोस, सुक्रोस मेरा यहाँ पे क्या है सॉल्वेंट, तो हमें क्या फाइंड करना है, हमें फाइंड करना है डब्ल्यू टू, ठीक है, ये है के बी हो गया, इसके बाद आप करोगे यहाँ वैल्यू पुट, उसके बाद ये हो जाएगा मेरा 1000 से करेंगे मल्टीप्लाई। अब मोलर मास इसका होता है सुक्रोस का फॉर्मूला क्या होता है C12H22O11, ठीक है, तो इसका देखोगे आप 12 × 12 + 22 + 11 ×, तो ओवरऑल ये सब ऐड करोगे जब तो मेरा आ जाएगा 342, ठीक है, सुक्रोस का मेरा मॉलिक्यूलर मोलर मास क्या था 342, ग्लूकोज का क्या होता है मेरा 180, क्लियर है ये बात? यस सर। तो मैं क्या करूंगा यहाँ पे, यहाँ पे मैं क्या रख दूंगा, सॉरी 342 रखूंगा, और उन्होंने बोला 500 ग्राम ऑफ वाटर, तो ये भी दिया हुआ था, इसको भी मैं रख देता हूँ, सॉल्वेंट का वेट तक दिया रखा है इनने 500 ग्राम वाटर, ठीक है, अब वाटर दे रखा है सिंपल चीज एक सॉल्यूशन, तो यहाँ हम पुट करेंगे आपका क्या कहते हैं मोलर मास ऑफ द सॉल्यूट, जो हो जाएगा मेरा 342, और यहाँ मेरा वेट ऑफ द सॉल्वेंट जो दिया हुआ है 500। अब तुम्हें क्या करना है, सिंपल चीज बस ये आ गया, अब इसको कर दो इस साइड, अब आपको सिर्फ और सिर्फ कैलकुलेशन बैठा डब्ल्यू टू, अब जो चीज डिनोमिनेटर में है वो मैं आज ले जाऊंगा लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है, 342 × 500, ठीक है, अपॉन 0.37, और ये बचा मेरा 0.52 × 1000, ठीक है, इसको आप कैलकुलेट कर लो, कैलकुलेट कर लोगे तो उसके बाद जो वैल्यू आएगी लगभग लगभग वही मेरा क्या हो जाएगा, वही मेरा आंसर आ जाएगा, क्लियर हुआ? यस सर। क्वेश्चन समझ में आया कैसे क्या? यस सर। इसको मैं और काट देता हूँ, ये बचेगा मेरा 170, ठीक है, तो मेरा ओवरऑल क्या आंसर आ जाएगा 121 ग्राम, यही हमें फाइंड करना था। किस तरीके से आप जो है न्यूमेरिकल सॉल्व करोगे हम ये देख रहे हैं, ठीक है, अब मैं देखता हूँ इंटेक्स वाला आपका कहते हैं 2.11, ठीक है, 2.11 में देखो क्या दिया है, पहले हम गिवन देख लेते हैं, कैलकुलेट मास ऑफ एस्कॉर्बिक एसिड, पहले एस्कॉर्बिक एसिड ने दिया है और उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी दिया है C6H8O6, ठीक है, मास ऑफ एस्कॉर्बिक एसिड टू बी डिसॉल्वड इन 75 ग्राम ऑफ एसिटिक एसिड, एस्कॉर्बिक एसिड का कितना मास मैं 75 ग्राम एसिटिक एसिड में डिसॉल्व करूंगा, तो एसिटिक एसिड मेरा यहाँ पे सॉल्वेंट है और एस्कॉर्बिक एसिड मेरा यहाँ पे सॉल्यूट है, ठीक है, इन 75 ग्राम ऑफ द एसिटिक एसिड, क्लियर हुआ, इन 75 ग्राम होगा एसिटिक एसिड, ठीक है, टू लोअर इट्स मेल्टिंग पॉइंट बाय 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड। अब यहाँ पे जो टर्म दिया है वो मेल्टिंग पॉइंट दिया है सर, अब आप बोलोगे अपन ने मेल्टिंग पॉइंट तो पढ़ा नहीं है, बिल्कुल सही बात है, और कितना मेल्टिंग पॉइंट डिक्रीज हुआ है 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड। अब देखो मेल्टिंग और आपका फ्रीजिंग में क्या अंतर होता है, लिक्विड पॉइंट मेरा सेम है, लिक्विड जब सॉलिड में बनता है उसको हम क्या बोलते हैं, फ्रीजिंग, फ्रीजिंग बोलते हैं, यस सर, और सॉलिड जब मेरा लिक्विड में आपका कन्वर्ट होता है उस पॉइंट को क्या बोलोगे, जनरल मेल्टिंग उसी को बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं, यस सर, समझ में आ रही है, और मैंने आपको बताया था जो फ्रीजिंग पॉइंट होता है वहां पे इक्विलिब्रियम होता है, मतलब ये आपस में इंटर कन्वर्ट होता रहता है, तो बस यहाँ पे इन्होंने वो लैंग्वेज आपकी चेंज कर दी है,
ठीक है, तो मेल्टिंग पॉइंट भी क्या है मेरा, सॉलिड से लिक्विड चेंज हो रहा है, लिक्विड सॉलिड में चेंज हो रहा है, तो वो आपका यहाँ पे सेम रहेगा। मतलब यहाँ पे बात किसकी हो रही है, यहाँ पे बात हो रही है डेल्टा टी एफ, ये क्या गिवन है, डेल्टा टी एफ गिवन। समझ में आया ये कि नहीं आया, ये बताओ। यस सर, क्लियर हो गया ना, मेल्टिंग पॉइंट और आपका क्या कहते हैं फ्रीजिंग पॉइंट, क्योंकि हमने फ्रीजिंग पॉइंट पढ़ा, यहाँ मेल्टिंग पॉइंट गिवन है। यस सर, ठीक है। अब क्या क्या गिवन है, देखो सीधी चीज है, आपको सॉल्यूट का मॉलिक्यूलर वेट किया हुआ है, मॉलिक्यूलर वेट टू आपका गिवन है, ठीक है। आपको फाइंड क्या करना है, मास फाइंड करना है, वेट फाइंड करना है, ये मेरा क्या है, ये मेरा वेट ऑफ द सॉल्वेंट है, ठीक है। तो अब मैं क्या करूंगा, अब मैं फॉर्मूला पुट करूंगा, मुझे फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए, फॉर्मूले आप लिख के देखोगे जितना उतना बेनिफिट रहेगा। अब देखो यहाँ पे चेंज इन मेल्टिंग पॉइंट दिया है, लोअर इट्स मेल्टिंग पॉइंट टर्म है। अगर आपको ये बोल देते फाइंड द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्वेंट, क्या आपको दे देते फाइंड द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्यूशन, तब आप क्या लगाते, तब आप यहाँ पे लगाते टी एफ नॉट माइनस टी एफ। अगर दोनों में से किसी एक का आपको फाइंड करने को बोल दिया जाए, आपको क्या कहते हैं, आपको सॉल्वेंट का या आपको प्योर सॉल्यूशन का फाइंड करने को बोल दिया जाए, तब आप वहां पे ये लगाते। क्लियर है? यस सर, डाउट तो नहीं है कोई? नो सर। तो यहाँ पे अब मैं क्या करूंगा, सिंपल चीज है, यहाँ मैं लगा दूंगा Kf इनटू W2, फिर वही मोलैलिटी। मोलैलिटी क्या होता है, मोलैलिटी होता है नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट, नंबर ऑफ मोल्स वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट इनटू वेट ऑफ द सॉल्वेंट। आपको सिर्फ वैल्यू पुट रखनी है और आंसर आ जाएगा। Kf आपका गिवन है, फाइंड मुझे क्या करना है, W2 फाइंड करना है, ठीक है। और यहाँ पे आपका क्या दे रखा है, Kf भी कितना दे रखा है, Kf भी आपका दे रखा है, यहाँ पे Kf कितना दे रखा है, 3.9 केल्विन पर किलोग्राम। तो ये चीजें गिवन है और ये आपको करना है फाइंड, ठीक है। वैल्यूज में डायरेक्ट पुट कर देता हूँ, ये टीएफ लोअर ने कितना बताया 1.5, ठीक है। केएफ कितना है मेरा 3.9, मुझे फाइंड करना है वेट ऑफ किसका, सॉल्यूट का। इसका मॉलिक्यूलर वेट अपन निकाल लेंगे, C6H8O6, C6 मतलब क्या होता है, कार्बन का कितना होता है मेरा वेट 12, ये हो गया 72 प्लस 8, ऑक्सीजन का होता है 16, 16 6 96, ये निकल के कितना गया 176 ग्राम मेरा मोलर वेट है, मॉलिक्यूलर वेट है एस्कॉर्बिक एसिड का। क्लियर हो गया ये चीज, तो मैं यहाँ पे रख दूंगा 176 176 कैसे आया। और यहाँ वेट कितना दिया हुआ है आपका एसिटिक एसिड सॉल्वेंट का, इन्होंने 75 ग्राम दिया है। इसको अब क्या करना है, इसको सिंपल कैलकुलेशन करना है, इसको इधर ले जाओ सबको, आपका क्या कहते हैं लेफ्ट हैंड साइड में डिनोमीटर वाली चीज को, 176 × 75 × 1.5 / 3.9 × 1000, उसको अभी सॉल्व करने बैठ गए तो टाइम ज्यादा लगेगा, डायरेक्ट आंसर पता चला, उसको ये कट जाएगा 25 से, ये 3 हो गया और ये हो गया मेरा 40, ठीक है। और इसको फिर फर्दर काटोगे तो ये हो जाएगा मेरा 4.4, क्योंकि 4 4 कितना होता है 60, बचा कितना फिर से 16 बच गया। तो ये पूरी बात क्लियर हो गई आपको? यस सर। क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं आया? आ गया? यस सर। इंटेक्स क्वेश्चन है एनसीईआरटी का, तो आपको वही करना है, चाहो तो ओपन करके आप देख सकते, ठीक है। यस सर। तो ये पूरा टर्म जब आप करोगे लगभग इसमें, सॉरी हाँ एक चीज और है कहीं पे, होगा तो कैलकुलेशन का होता है, लगभग 12 और 12 के बाद पूरा ही आ जाएगा आंसर, लगभग ऑलमोस्ट आएगा 5.07 ग्राम के आसपास, ठीक है। ये है, इसको देखो मैं यहाँ करके भी अगर बताऊं तो मेरे को 4.4 को 3 से अगर मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना हो जाएगा, लगभग 13.2। इसको फिर 1.5 से मल्टीप्लाई करूंगा, फिर डिवाइड करोगे आप 3.9, तो ये वैल्यू आ जाएगी ऑलमोस्ट 5.07 ग्राम। क्लियर हुआ ये? यस सर। ठीक है, एक दो क्वेश्चन और देख लेते हैं अपन। एक क्वेश्चन आपका दिया हुआ है 12.2, वो और देख लेते हैं इंटेक्स का ही, या फिर तुम ट्राई कर लेना 12.12। सिंपल चीज, ऑस्मोटिक प्रेशर में बता देता हूँ क्या है, पाई इज इक्वल टू सीआरटी है, ठीक है। आर की वैल्यू पुट करोगे, टी की वैल्यू पुट करोगे और कंसंट्रेशन आपको पुट करोगे। कंसंट्रेशन में क्या पुट करोगे, नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम, नंबर ऑफ मोल्स और वॉल्यूम गिवन है। ये जो मेरी पूरी वैल्यू आएगी, आएगी लीटर एटमॉस्फेयर में,
ठीक है, आर की वैल्यू क्या पुट करोगे, 0.0821 मीटर एटमॉस्फेयर में यही वैल्यू होती है जो आप पुट करोगे आर की वैल्यू। ठीक है, ये जो फिर पूरी वैल्यू निकल के आएगी वो आएगी मेरी लीटर एटमॉस्फेयर में। हमें आंसर निकालना है पास्कल में, तो देखो 1 पास्कल कितना होता है, 1 लीटर एटमॉस्फेयर इज इक्वल टू 10^5 पास्कल, 1 लीटर एटमॉस्फेयर इज इक्वल टू 10^5 पास्कल। ठीक है, उसको कैलकुलेट करके देखना, इट्स योर होमवर्क। क्लियर हो गया, इसमें डाउट तो नहीं है? नो सर। ठीक है, 12.2 है, इसको ट्राई करना है। उसके बाद एनसीईआरटी बैक एक्सरसाइज से हम एक आधा क्वेश्चन और देख लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे इन्होंने बोला है 5% थोड़ा सा ये लॉन्ग हो सकता है, 5% ऑफ द सॉल्यूशन बाय मास। ठीक है, 5% सॉल्यूशन बाय मास दिया है इन्होंने, है ना, ऑफ केन शुगर। केन शुगर है, केन शुगर किसको बोलते हैं, सुक्रोज को बोलते हैं, बात याद रखो। ठीक है, ऑफ द केन शुगर इन वाटर हैज फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द 271 केल्विन। इसका फ्रीजिंग पॉइंट कितना है आपका, 271 केल्विन। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे दे रखा है कैलकुलेट फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द 5% ऑफ ग्लूकोज। यहाँ पे किसका दे रखा है आपका, इन वाटर इफ फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर वाटर इज 2 पॉइंट। अब प्योर वाटर जो है उसका फ्रीजिंग पॉइंट कितना है, 273.15 केल्विन। ठीक है, ये चीजें तो दो कंडीशंस दे रखी है। पहले तो क्या है कि 5% सुक्रोज का जो आपका बाय मास सॉल्यूशन है उसका फ्रीजिंग पॉइंट ये है। अब आपको फाइंड करना है 5% ग्लूकोज बाय मास सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट क्या होगा। सबसे पहले आपको फाइंड करना होगा, आप सबसे पहले आपको पता होना चाहिए फॉर्मूला। फॉर्मूला टीएफटी लगाएंगे, यहाँ आप लगाओगे टीएफ नॉट माइनस टीएफ। ठीक है, यस सर, टीएफ नॉट माइनस टीएफ लगाओगे और उसके बाद यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे इसके बाद आपका यहाँ पे लिखोगे अब केएफ, केएफ के बाद लिखोगे W2 upon M2 into W1 into 100 sorry 1000। ठीक है, अब क्या हम यहाँ से कंक्लूजन निकाल सकते हैं, 5% बाय मास दिया हुआ है, तो ये कंसंट्रेशन हमने पहले पढ़ा था, याद है आपको, 5% बाय मास का मतलब यहाँ पे क्या है, 5 ग्राम ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन टोटल 100 ग्राम ऑफ द सॉल्यूशन, यही कंसंट्रेशन का मतलब मैंने आपको बताया था। तो 5 ग्राम क्या हो गया मेरा, W2 हो गया 5 ग्राम। क्लियर हो गई बात, 100 ग्राम सॉल्यूशन है तो W1 निकल के मेरा कितना आ जाएगा, 95 ग्राम आ जाएगा। क्लियर हो गई बात, क्योंकि W1 क्या है, वेट ऑफ सॉल्वेंट है, और मॉलिक्यूलर वेट कितना अपन ने बताया था सुक्रोज का, मैंने आपको बोला था 342 होता है C12H22O11। ये आपको फॉर्मूले पता होने चाहिए कुछ फेमस कंपाउंड के, तो आपका वर्क थोड़ा सा इजी हो जाएगा। ठीक है, ये पूरा निकल के आ जाएगा आपका 342। तो इसको मुझे क्या करना है, सिंपल वैल्यू में पुट करना है। टी एफ नॉट कितनी है आपकी, इस कंडीशन में देखो क्या करोगे आप, और वाटर का भी मेरा फ्रीजिंग पॉइंट की ओर दे रखा है, वो है आपका 273.15 केल्विन। ठीक है, तो यहाँ मैं क्या करूँगा, 273.15 केल्विन माइनस 271 केल्विन, ये मैंने पुट किया, और मुझे यहाँ के एफ फाइंड करना है इस पर्टिकुलर कंडीशन के लिए। ठीक है, वो तो मेरा उसके लिए था आपका जीवन, तो फिर ये आपका यूज हो पाए भी नहीं। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करोगे, वेट, अब W2 मेरा क्या है आपका, W2 यहाँ पे 5 ग्राम है, क्लियर, और ये क्या है मेरा 1000 ग्राम है। ठीक है, M2 मैंने कितना बोला यहाँ पे, M2 आपका रहेगा 342, क्या दिया हुआ है, सुक्रोज, और वेट ऑफ सॉल्वेंट कितना है, 95 ग्राम है, क्योंकि 5% मास दिया हुआ है। ये पूरा समझ में आया आपको कैलकुलेशन? यस सर। कौन सी वैल्यू कहाँ पुट करी, समझ में आ गई? यस सर। ठीक है, तो ये निकल के कितना आएगा मेरा, ये निकल के आ जाएगा मेरा 2.15। ठीक है, ये आ गया मेरा 2.15। उसके बाद मैं वैल्यू निकालूंगा केएफ की, और इसको आप कह सकते हो लगभग लगभग ये कितना हो गया, 5000 कह सकता हूँ। ठीक है, और ये हो गया आपका 342 into 95। इसको पहले तो हम कट करें, तो इसको 5 से कट करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 1000, और ये हो जाएगा 19। ठीक है, थोड़ा सा काम ईजी हो जाता है, ये हो जाएगा 500, 2 से कट किया ये हो जाएगा मेरा 1700। ठीक है,
ये आया मेरा आपका के एफ की वैल्यू, ठीक है। अब इसको जब आप करोगे सॉल्व, लगभग लगभग हम कह सकते हैं ये निकल के लगभग 19.5 है ना, अब इसमें 2.15, एक मिनट, इसको मैं इस तरह से कर सकता हूँ 2.15, और ये अगर ऊपर चला जाएगा, डेसिमल दोनों हटा दूं यहाँ पे, थोड़ा सा इजी रहेगा, 1.71 × 19/5 ये हो जाएगा। डेसिमल मैंने दोनों हटा दिए आपके, मतलब डेसिमल को मैंने शिफ्ट कर दिया टुवर्ड्स लेफ्ट हैंड साइड, क्लियर हो गई बात, 1.71/5। तो जब पूरा कैलकुलेशन करोगे आप, कैलकुलेशन हम करके देखते हैं, इसकी वैल्यू जो आएगी मेरी वो लगभग आएगी 13.88, ठीक है। वैसे भी करोगे तो उसमें लग जाता है टाइम थोड़ा सा, ये वैल्यू निकल के आएगी, इसको सॉल्व कर लेना, ठीक है। ये मेरा क्या आया केएफ, अब केएफ मेरा निकल के आ गया यहाँ पे, ठीक है, इसकी जरूरत है नहीं आपकी, गिवन नहीं है। अब ये वैल्यू आप यहाँ पुट करोगे और मुझे अब फ्रीजिंग पॉइंट किसका फाइंड करना है, सॉल्यूशन का फाइंड करना है, समझ गए। तो ये हो गया मेरा कैसे, टी एफ नॉट माइनस टी एफ इज इक्वल टू के एफ इंटू आपका डब्ल्यू टू अपॉन एम टू इंटू डब्ल्यू वन इंटू 1000। ये किसके लिए है, ये है मेरा सेकंड कंडीशन, ये वाला। यहाँ क्या है, 5% बाय मास ग्लूकोज है, तो ग्लूकोज का वेट तो कितना हो गया 5 ग्राम ही रहा, और मॉलिकुलर वेट कितना हो जाएगा 180, तो चीजें सेम रहेंगी, क्लियर है। अब मुझे क्या फाइंड करना है, जो मैंने वही फिर सेम कर दिया, 273.15 माइनस टी एफ, सॉल्यूशन ये फाइंड करना है। अब के एफ जो है आपका, के एफ की वैल्यू 13.88 आई है, और इसको यहाँ डब्ल्यू टू मैंने 5 लिखा, ये हो गया मेरा 1000, और इसको अगर आप करोगे अपॉन में तो ये आ जाएगा आपका, मास कितना गिवन है इसका, तो मास मेरा 180 है, और डब्ल्यू वन आ जाएगा 95, ठीक है। यस सर। और इन सब की आप वैल्यू सॉल्व कर लो, देखो इसकी वैल्यू अगर मैं सॉल्व करके देख लूँ, ये तो आ गया मेरा यहाँ से कट होके आ गया 90, ठीक है, और ये भी मैंने कट कर दिया, तो ये हो गया मेरा कितना 100/18 बचा। तो इसको अब आप और सॉल्व कर लो सिंप्लीफाई करके, 273 − TF = 13.88 × 100, अब अपॉन ये बचा मेरा 18 × 19, ठीक है। इसको फिर कर करोगे, ये हो जाएगा 9, और ये हो जाएगा मेरा 50, ठीक है। इसका जब अपन ओवरऑल क्या करेंगे कैलकुलेशन, 19 9 कितना होता है 171 होता है, ठीक है। यस सर। तो ये पूरा निकल के क्या आया मेरा यहाँ पे, इसको यहाँ इधर लिख दो यहाँ पे, और इसको थोड़ा सा अपन नीचे कर दो, तो ये जाएंगे तो 4 में रहेगा यहाँ पे, इसको मैंने ऐसे कर दिया। तो यहाँ ये क्या आया मेरा 273.15 माइनस पी एस, ठीक है, और ये पूरा आ गया 13.88 × 100 अपॉन आपका आया यहाँ पे 80 × 19, ठीक है। ये कर दिया मैंने 19, ये हो गया मेरा 50, ठीक। इसको जब मैं सॉल्व करूंगा तो ये हो जाएगा 273.15 − TF, और ये आपका आया 13.88 × 50 upon 170, ठीक है। इसकी जो पूरी वैल्यू आएगी वो आएगी लगभग लगभग 4 के अराउंड, ठीक है। तो मैं एक बार आपको बता देता हूँ, अभी सॉल्व करने में थोड़ा टाइम लग जाएगा, ये पूरा सॉल्व कर लेना, इसकी वैल्यू आएगी लगभग लगभग 4 के अराउंड नियर, ठीक है। तो यहाँ पे फिर क्या करोगे, टी एफ मेरा क्या हो जाएगा 273.15, टी एफ को ले जाऊंगा राइट हैंड साइड, 4 को मैं इधर ले आऊंगा, इसकी वैल्यू मेरी आ जाएगी अप्रोक्सीमेट लगभग लगभग 269, ठीक है, अप्रोक्सीमेट मैंने दिया हुआ ये, ठीक है, लगभग लगभग यही आया मेरा केल्विन, जिसके लिए आंसर है ये 2.20 का ये आंसर।
क्लियर हो।